सो हेलो एंड सो वेलकम बैक एंड मैं आप लोगों के लिए कोई पीवी टेक्स बैक नहीं लेकर आया हूँ, मैं लेकर आया हूँ एक नया का नया क्लाइंट। एंड हाँ, ये वाला क्लाइंट 100% वर्किंग है माइनक्राफ्ट 1.19 के अंदर, जैसे कि मैं अभी इसके साथ ही खेल रहा था। तो हाँ, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे चलते हैं इंपोर्टिंग के प्रोसेस पे। सबसे पहले आपको आ जाना है जेड अचीवर पे, या फिर आप लोग फाइल एक्सप्लोरर का यूज भी कर सकते हो। एंड यहाँ पर अपन को सिंपली से एक डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा, अपन को वहाँ से ले जाना है, या फिर आप लोग को जहाँ पर भी डाउनलोड करा वहाँ से आप लोग कर सकते हो। बाकी अपन यहाँ पर एक 3 लाइन्स का आइकन देखने को मिल जाता है, अपन यहाँ पर डेट सेलेक्ट करना है, डिसेंडिंग सेलेक्ट कर देना है एंड अपनी नई फाइल सबसे टॉप पर आ जाएगी। बाकी मैं भी अपने उस क्लाइंट को ढूंढ लेता हूँ, आप लोग देख सकते हो बैट जू क्लाइंट आ चुका है वर्जन 3.01। एंड हाँ, ये पहले से MCP वाले फॉर्मेट के अंदर है, क्योंकि गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे डॉट जिप लिखा हुआ होगा, बस आपको उसे रिमूव कर देना होगा। डॉट जिप जेड यानी क्या क्या लिख रहा हूँ मैं, डॉट जिप लिखा होगा, आपको बस सिंपली से उसे रिमूव कर देना है एंड आप लोग इसे इजीली यूज कर पाओगे, बस आपको व्यू के ऊपर क्लिक कर देना है एंड हाँ इस वाले एरो को क्लिक कर देना। एंड अभी आप लोग कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ उसे वेट करना है, जब तक आप लोग वेट करो तब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी आप लोग देख सकते हैं इम्पोर्ट स्टार्टेड यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है एंड यहाँ पर अपना इम्पोर्ट सक्सेसफुल हो चुका है। एंड अभी सिंपली सपोज अपने सेटिंग्स के अंदर एंड यहाँ पर अपन को जाना है ग्लोबल रिसोर्सेज के अंदर एंड मैं पहले से इस वाली वीडियो एक्सपेक्ट को यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसे डीएक्टिवेट कर देता हूँ। एंड ये अपना क्लाइंट जिससे अपन यहाँ पर कर देते हैं एक्टिवेट। एंड यहाँ पर अपन को सेटिंग्स आइकन भी देखने को, तो यहाँ पर अपन को ज़्यादा नहीं, सिर्फ सिर्फ 2 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं एंड मैं मॉड मेन्यू को इनेबल ही रखना चाहता हूँ। एंड अभी अपन पीछे चल के देखते हैं अपन को यूआई के अंदर क्या क्या चेंज देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अपना ये लोड हो चुका है बैट जू क्लाइंट एंड हम लोग इसी यूआई को देख सकते हो, कितनी ज़्यादा क्लीन लग रही है ये। एंड सिंगल प्लेयर एंड मल्टीप्लेयर अपन को 2 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं एंड अपन तो सब ऐसे भी सर्वर्स के अंदर खेल रहे हैं, अपन सीधा मल्टीप्लेयर के अंदर चलते हैं। ओके नाइस, यहाँ पर गाइस अपन को एकदम क्लीन यूआई देखने को मिल रही इस जगह की भी। बाकी अपन लोग डायरेक्टली सर्वर के अंदर ही जाने वाले हैं। बाकी मुझे यूआई काफी ज़्यादा सही लगी, क्योंकि पीछे बैकग्राउंड उसके बाद एक बार टैप करना पड़ा है। एंड यहाँ पर गाइस अपन को एकदम जावा के जैसे लोडिंग सीन देखने को मिल रही है एंड नीचे अपन को बैट जू क्लाइंट का वो भी दिख रहा था वाटरमार्क। बाकी अभी अपन लोग आ चुके हैं सर्वर के अंदर एंड अपन लोग जल्दी से एक बार दूसरी लॉबी के अंदर चलते हैं, क्योंकि मेन लॉबी के अंदर काफी ज्यादा लैग होता है। वैसे मुझे अभी तक कुछ भी चेंज तो देखने को नहीं मिला, अपन वहाँ पर चल के देखते हैं क्या क्या चेंज आएंगे। यहाँ पर भी इतना ज्यादा लैग क्यों हो रहा है, अपन को थोड़ी देर वेट करना पड़ा। ओके अभी सही हो गया, तो अभी अपन सिंपली से चेक करते हैं क्या क्या चेंजेस आए। तो सबसे मेरे को लग रहा है सेटिंग्स में काफी ज्यादा चेंज आए होंगे। ओके नाइस, तो यहाँ पर अपनी पॉज मेन्यू काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। नीचे पर आपको दिख रहा होगा म्यूजिक प्लेयर, तो मैं अपनी आवाज को तेज कर देता हूँ किसी भी गाने को बजाने के लिए, बट मैं अभी कोई भी गाना नहीं चलाने वाला, क्या पता कॉपीराइट आ जाए इन लोगों का। यहाँ पर अपन लोग लोगों की सेटिंग्स देख सकते हैं एंड अपन को सेटिंग्स भी काफी ज्यादा सही देखने को मिल जाते हैं, मतलब एकदम ट्रांसलूसेंट देखने को मिल रही है। एंड अपन लोग पीछे भी देख सकते हैं, साथ साथ अपन लोग अपनी सेटिंग्स भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पर अपन को देखने को मिल जाते हैं नए वाले कंट्रोल्स, यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी काफ़ से लोगों को नहीं पता था, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया कि यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी मैं तो नहीं कर रहा अभी, क्योंकि मुझे लाइक क्लासिक कंट्रोल से बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे परफॉर्मेंस बूस्ट थोड़ा सा ही देखने को मिला है, क्योंकि जब मैंने अपने सर्वाइवल वर्क में ट्राई करा थोड़ा परफॉर्मेंस मेरे को मिला। एंड यहाँ पर जैसे उनको साइड के अंदर एक मोड मेन्यू भी दिख रहा था, तो मैंने उस पर टैप कर दिया है एंड यहाँ पर उनको काफ़ी सारी चीज़ें दिखने वाली है। अभी के लिए मैं सबको ऑन करने वाला हूँ, ताकि हम लोग देख पाएँ क्या क्या चीज़ें हैं, आप लोग नाम भी इसका पढ़ सकते हो। बाकी इतना ही नहीं, मुझे ऊपर साइड में क्रॉसेज वगैरह भी देखने को मिल जाए। तो अभी अपन सेटिंग्स, तो मतलब हाँ ये मई सेटिंग्स अपने गेम की शायद नहीं, ये पूरी की पूरी डिफरेंट सेटिंग्स आप लोग देख सकते हो, गेम्स की सेटिंग है जो अपन अभी गेम खेले। यहाँ पर कैसे अपन लोग कुछ इफेक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं अपन गेम के ऊपर, जिससे अपन लोग कस्टमाइज कर सकते हैं ये अपन को कैसा दिख रहा है ये, एड ब्लू इफेक्ट वगैरह, एड सैचुरेशन, इतनी सारी चीज़ें। मतलब मेरे को किसी भी मोड के अंदर इतना नहीं देखने को मिला है, काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। अपन अपने हिसाब से वीडियो को सेट कर सकते हैं, पर काफ़ी सारे ऑप्शन है एंड इनको सबको ट्राई करने के अंदर बहुत टाइम लग जाएगा। एंड मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूँगा सारे ऑप्शन ट्राई मत करना, क्या बात आपको बैन ले सर्वर से। एंड यहाँ पर कैसे अपने क्रॉस ही देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है, क्योंकि अपन इसको स्मॉल मीडियम लार्ज सबके पास सेलेक्ट कर सकते हैं एंड यहाँ पर ढेर सारे हैं क्रॉसेज एंड लिटरली मेरे को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया इससे, क्योंकि अब मुझे जब भी कोई पीवी टेक्स्चर पैक डाउनलोड करूँगा तो फिर मेरे को क्रॉसर की कोई भी चिंता नहीं होगी, क्योंकि मैं इससे कोई भी क्रॉसर चूज कर सकता हूँ। अगर अगर ध्यान से देखो तो मेरे कंट्रोल्स के नीचे आपको दिख रहा होगा डायरेक्शन वगैरह एंड क्लॉक और कंपास, जो कि मेरे हिसाब से तो यूजलेस ही, क्या करेंगे इसे देखकर अपन लोग, बाकी ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। एंड मैं कभी कोई भी टेक्सचर नहीं दिखाने वाला, क्योंकि इसके टेक्सचर तो नॉर्मल ही है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप लोग इसके साथ कोई पीवी टेक्सचर पैक ही यूज़ करना। बाकी इस क्लाइंट के लिए बस इतना ही एंड मैं अभी आप लोग बता रहा हूँ आपको इसे डाउनलोड कैसे करना है। तो गाइस डाउनलोड करने के 2 तरीके हैं, सबसे पहला तरीका है तो गाइस आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, वहाँ पर आपको एक वीडियो का लिंक मिला होगा जिसका नाम होगा ट्यूटोरियल वीडियो, वो इंग्लिश के अंदर भी है अगर आप लोगों को हिंदी नहीं आती तो, वैसे अगर हिंदी नहीं आती तो आप लोग इस वीडियो को देख के सर हो, उस वीडियो को चेकआउट कर लेना, उसके अंदर आपको मिल जाएगी लिंक। एंड हाँ, एक और नया तरीका है जो कि इन लोगों का ऑफिशियल डिस्कॉर्ड सर्वर भी है जिसका नाम है बैट जू क्लाइंट, तो आप लोग इनके ऑफिशियल डिस्कॉर्ड सर्वर को भी ज्वाइन कर सकते हो एंड वहाँ पर आपको मिल जाएगी डाउनलोड लिंक। तो जो भी आपको मेथड पसंद है आप लोग उसे डाउनलोड कर सकते हो। बाकी मैं आपको बोलूँगा कि मेरे वाले वीडियो से ट्राई करना, क्योंकि उसके अंदर आपको लाइक बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, सिर्फ वैसे भी ये क्लाइंट ही नहीं है, बाकी बहुत सारे पीवी बैग्स वगैरह हैं। एंड अगर आपको कोई भी ढंग का पीवी बैग नहीं मिला तो यहाँ पर अभी 2 वीडियोज़ आ रहे होंगे, उन्हें देख लेना, आपको कोई ना कोई पीवी बैग तो पसंद आ ही जाएगा।